हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो गोड ब्राह्मण कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि रोहतक में है, इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आया है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी टीचिंग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग्स, उसके साथ साथ PhD एडमिशन रिगार्डिंग। और अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल इंफॉर्मेशन। सो गवर्नमेंट एडेड एंड एफिलेटेड टू MDU यूनिवर्सिटी रोहतक, वेबसाइट यहाँ पर मैंशन है इसकी, gbcerrohtak@.in। और ईमेल आईडी मेंशन है gbcerrohtak@gmail.com। और 500 इसकी लगेगी जी कैश और डिमांड ड्राफ्ट, इसकी अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 20 का है। सो अब वैकेंसी चेक कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। एंड नॉन टीचिंग में आपकी वैकेंसीज रहेंगी ऑफिस असिस्टेंट, कम अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, हेल्पर, सपोर्ट स्टाफ। वर रिक्वायरमेंट, नो अप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द लास्ट डेट। तो अप्लीकेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लीकेशन फॉर्म जो है जल्दी अप्लाई कर देना, स्टार्ट हो चुके हैं। 10 तारीख लास्ट डेट रहेगी। और विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ीस फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गोड ब्राह्मण कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक, डिप्टी कमिश्नर कम एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट गवर्नर बॉडी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और फुल इन्फॉर्मेशन यही गिवन है यहाँ पे, कोई भी आपको जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रहेगा। उसके लिए आप यूज कर सकते हो ईमेल आईडी, वेबसाइट यहाँ पे गिवन है उसका यूज कर सकते हो। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की आपको जो दो जगह पर सेंड करनी होगी, एक कॉपी आपको करनी होगी कॉलेज में, और दूसरी आपको करनी पड़ेगी डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसलिंग MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में। और ड्यू डेट से पहले ही आपको दोनों जगह पे सबमिट करवानी होगी। अगर एक भी जगह पर रह जाती है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंडर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।